क्या आप एक स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं या फिर स्मार्टफोन परचेज के बारे में सोच रहे हैं? तो गाइस रुको, आप लोगों से मेरी एक बात है, अगर आप लोग स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो तो आप लोग जरूर से ये देखकर परचेज करोगे कि उसमें कितना कैमरा है, 3, 4 या 2 ये कैमरा है और आपके बजट के हिसाब से फिट बैठ रहा है या नहीं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो और उसके बाद आप मुझे बताओ आप कितने कैमरा वाला फोन लेना पसंद करोगे। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चली जाए। गाइस अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी तो एकदम चलिए वीडियो में डायरेक्ट एंट्री। तो गाइस आपने अगर परचेज कर लिया है तो एकदम गया है काम से, और अगर नहीं परचेज किया है सोच रहे हैं तो आपका थोड़ा पैसा बचेगा। तो गाइस आप लोग शायद से सोच रहे हैं कि मेरे फ़ोन में 4 कैमरा होगा तो 48 मेगापिक्सल का, 24 मेगापिक्सल का या फिर मतलब जितना भी होता है 4 होगा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा दिखने में, जैसा अभी दिख रहा है कि 4 कैमरा वाला फ़ोन कितना धासु लगता है ना दिखने में। तो गाइस क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे ना मतलब लगेगा कि मोबाइलों की कंपनी इतना फ्रॉड कर दी है, क्या बोलूँ पता नहीं। अगर कोई ये वीडियो देख लेगा मतलब मोबाइलों की कंपनी देख लेगा तो शायद गुस्सा भी हो जाए, क्योंकि हो तो सकता है क्योंकि ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ जहाँ पर 4 कैमरा वाला फ़ोन को खोला जाता है और उसके अंदर आप लोगों को क्या दिखता है वो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग वीडियो में खुद ही देख लो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर से 4 कैमरा को अगर खोल दिया जाए तो इसके अंदर जो दिखेगा ना भाई, देखो बस 1 कैमरा है और बाकी का सब फालतू है, बस फोकट में दिखाना है, दिखावा है। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि कंपनी भले ही हमें 4 कैमरा वाला फ़ोन दे दे लेकिन उसके अंदर रहता है 1 ही कैमरा। अगर आप लोग फ़ोन को नहीं भी खोलते तो भी मेरे पास एक ट्रिक है जिस ट्रिक को आप लोग अप्लाई करके जान सकते हो आपके फ़ोन में जो भी कैमरा है उनमें से कौन सा कैमरा काम करता है एंड कौन सा कैमरा काम नहीं करता। बेसिकली 1 ही कैमरा काम करता है आपके फ़ोन में, आपके फ़ोन को ऐसे लेना, रोटेट करना जिस भी साइड पे कैमरा है और वहाँ पर 4 कैमरा या फिर 3 कैमरा, पहले आप लोगों के पास जो कैमरा है मतलब जो फ़ोन है, आप लोगों के पास शायद 3 कैमरा वाला फ़ोन है या फिर 4 कैमरा वाला फ़ोन है, आप लोग नया फ़ोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस करके आप लोग नया फ़ोन परचेज करना कि आप लोग 1 फ़ोन वाला कैमरा चाहिए या फिर 2 या फिर 3, 4 ऐसे चाहिए। तो गाइस सबसे पहले अपने फ़ोन को लेना है एंड आपके जितने भी कैमरे होंगे सब कैमरे पे एक मतलब सबसे पहले कैमरा ऐप को ओपन करना है और उसके बाद सारे कैमरे के ऊपर एक बार मतलब ऐसे पीछे उंगली देना है जैसे वो ब्लर हो जाए या फिर काला हो जाए ऐसा देना है और उसके बाद देखना है कैमरा असल में काम कर रहा है या नहीं। आप लोग मेरे इस फ़ोन में तो 2 कैमरा है मैंने देख लिया है कि मैंने जैसे ही कैमरे के ऊपर हाथ दिया तो देखा कैमरा चल रहा है, मतलब मुझे पहले लगा कि एक कैमरा बंद हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कैमरा बंद हो रहा है, मुझे पहले पता था कि मेरे फ़ोन में 2 कैमरा चलता है, एक 16 मेगापिक्सल का एक 5 मेगापिक्सल का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैक्रो है और एक अच्छा है। तो उसके बाद मैंने जो चेक करके देखा तो उसके बाद मैंने जैसे उंगली दिया तो उसके बाद देखा चल रहा है और मुझे जब मैं नेक्स्ट कैमरे के ऊपर हाथ दिया ना तो एकदम मतलब सर इतना हीट हो गया, इतना गुस्सा आया, क्या बोलूँ आप लोगों को। जैसे मैंने सेकंड कैमरे पर हाथ दिया ना तो एकदम मतलब कैमरा एकदम काला हो गया, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऊपर वाला या फिर नीचे वाला जिस भी कैमरे पर मैं हाथ दिया था पीछे जो भी था उनमें से एक में जस्ट रियल कैमरा था और दूसरे में पूरा फेक था, पूरा फ्रॉड था। मतलब अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कैमरे के ऊपर, कैमरा देखकर इस फ़ोन में 3 कैमरा मिल रहा है, इस फ़ोन में ये फीचर मिल रहा है और इस फ़ोन में मुझे 4 कैमरा मिल रहा है, ये फीचर सेम ही है लेकिन मैं 4 कैमरा वाला फ़ोन को परचेज़ करूँगी, तो गाइस आप लोग पैसे वेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर कि आप लोग कैमरा देखकर फ़ोन को परचेज़ कर रहे हो। मतलब ये तो कंप्यूटर नहीं है कि हम उसके एक एक पार्ट्स को निकालें और हम देख सकते हैं उसके अंदर, पीसी के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हर एक पार्ट को निकालने के बाद उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फ़ोन में इतना छोटा होता है सब कुछ, उसको मोबाइल रिपेयर करने वाला ही जानते हैं उसके अंदर क्या है और क्या नहीं। तो बस आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी,
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से हमें फॉलो कर सकते हो। और गाइज, आप लोगों को ये बात जानने के बाद आपको कितना बुरा लगा या फिर क्या रिएक्शन है, आपकी क्या फीडबैक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, मिलते हैं एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।